हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शीट मास्क एट होम। मतलब मैंने घर में ही शीट मास्क तैयार किया है। सो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब हम अपनी स्किन केयर करेंगे तब तक मैं आपको ये समझा दूँगी कि किस चीज़ से तैयार किया है, क्या है, सो प्रोसेस क्या है। सो मैंने आलू और मिल्क से तैयार किया ये शीट मास्क। ओके, सो वीडियो में आप देख लेना कि कैसे तैयार किया। ओके, सो आलू क्या करता है, जो आपकी स्किन का कलर है ना, वो आपके फेस में रौनक को बनाए रखता है। पोटैटो को चेहरे पे लगाने से, आप अगर पोटैटो को रोज़ 30 मिनट अपने फेस में लगे रहने देते हो ना, तो चेहरे का रंग साफ़ करने में आपकी हेल्प करता है। आपके बॉडी में या फेस में कोई भी स्वेलिंग है सो उसको भी ये कम करने में आपकी हेल्प करेगा। आप आलू के मिक्सचर में लेमन मिला सकते हो, क्योंकि लेमन में भी विटामिन सी होता है जो स्किन के कलर को साफ करने में आपकी हेल्प करता है। ओके, सो मैंने इसलिए लेमन नहीं मिलाया, इसलिए मैंने मिल्क मिलाया है, क्योंकि कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें कच्चा दूध ही मिलाया है। सो कच्चे दूध में होता है लैक्टिक एसिड, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। कच्चा दूध मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है ना, सो आप रात में सोते समय कच्चा दूध लगा सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आलू को कच्चे दूध में मिलाया है। ठीक है, अब प्रोसेस आप आगे देख लेना। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, प्लस अगर आपके पिंपल है ना, पिंपल मुहासे जो होते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा उसको हटाने में। आपकी स्किन को ये अंदर से क्लीन करेगा। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा डल हो रही है, आप लगा के रात में डैप डैप करके कच्चा दूध लगा कर सोया करो। ओके, अगर आप बाहर से शीट मास्क लेते हो तो 120-150 तक आपका पड़ जाता है। मैं आपको घर में 10 रुपये में आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मान लो 5 रुपये का वन पोटैटो एंड कच्चा दूध मान लो 5 रुपये का, तो इतने में आपका बन जाएगा। इतना अच्छा रिजल्ट है ना इसका। सो अब ये मैं लगा रही हूँ बायोटिक लिप बाम एंड आगे है प्रोसेस स्टार्ट। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना प्लीज़। सो ये मैं ले रही हूँ कच्चा दूध, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में आपने लेना है। सो ये आपने पड़ जाना है 5 रुपये का, या हाँ 5 रुपये का, ये पड़ 5 रुपये का भी नहीं पड़ेगा, पर मैं आपको 5 बता रही हूँ। आपने ऐसे आलू के चिप्स कर लेने हैं, जैसे आप आलू के चिप्स वगैरह डालते हो ना, तो आप वैसे आपने कर लेने हैं आलू के चिप्स। और आलू के चिप्स बहुत पतली लेयर होनी चाहिए, इसकी लेयर इसकी बहुत पतली होनी चाहिए, जैसे कि ये देखिए, जैसे हमारी स्किन में एकदम ही चिपक जाए। सो बहुत पतली लेयर होनी चाहिए इसकी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसकी लेयर आपको आर पार दिखना चाहिए, मतलब कैमरे में नहीं दिख रहा लेकिन आपने आर पार दिखना चाहिए। देखिए बहुत पतली लेयर, देखिए मेरी फिंगर्स दिख रही थी ना, ये देखिए कुछ एक आलू मैंने ऐसा पतली पतली लेयर्स का कर लिया था। आपके पास चिप्स वाली मशीन होगी ना, आप उसमें पतली पतली लेयर कर लेना। अब मैं इसको 5-10 मिनट तक इसको मैं ऐसे डिप करके रख के छोड़ दूँगी। ओके, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, आप 10 मिनट भी रख सकते हो, आप 5 मिनट भी रख सकते हो, मैंने इसको 5 मिनट ही रखा है। ठीक है, और आपने ये सब करने के पहले आपने अपनी स्किन केयर कर लेनी है। ओके, अच्छे से आपने प्रॉपर वाली स्किन केयर करनी है। ये देखिए मैंने पहला आलू के चिप्स अपने उसमें चिपका लिया। मैं इसको चिप्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको चिप्स की शेप दी है। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने जब ट्राई किया पहली बार ऑफ कैमरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। इसलिए मैंने सेकेंड टाइम मैंने सोचा, मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मैं एक बार अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है।
तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा मेरे वीडियो में कि कैसे मैंने इतनी आराम से लगा लिया अपने फेस में ये शीट मास्क, और बिल्कुल ये शीट मास्क की तरह ही लग रहा है। और अगर ये ना, मुझे सांस नहीं आ रही थी, अगर आपको नहीं आया ना तो आप प्लीज़ ये थोड़ा ऊपर कर लेना। ये देखिए बहुत आराम से लग गया है, और मैं इसको 10-15 मिनट तक छोड़ दूँगी। ये देखिए 10-15 मिनट के बाद मेरा हटाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना इसको लगाने के बाद। देखिए बिल्कुल ये हट नहीं रहा है। और जो, हाँ, जो इसका मिल्क था ना, जो बिल्कुल मिल्क था ना इसका, वो ना यार बिल्कुल, मतलब पता नहीं कहाँ गया, ऐसे लग रहा था कि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया हो। ये देखिए, सो आपने अच्छे से इसको डैप डैप कर लेना है। अब इसको आपने हटाना है 15 मिनट बाद, जो कि मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, मज़ा आ रही थी यार। ये देखो इसका जो मिल्क था, मुझे ये नहीं समझ वो गया कहाँ, मुझे ऐसा लग रहा मेरी स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया, और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग दिख रही थी ना, आप खुद देख लो, देखो ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ये देखो आपने, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आप देखो एकदम ही ऐसे ठंडा ठंडा सा लग रहा था। आपने अच्छे से उसके बाद डैप डैप करना है, क्योंकि स्किन देखिए कितनी ज़्यादा क्लियर लग रही थी, बिल्कुल हल्की सी ग्लोइंग लग रही है ना, आपको भी लग रही होगी। और देखिए मैं कैसे एकदम डैप डैप कर रही हूँ, स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो गई थी मेरी। इसके बाद हमने सेम वही प्रोसेस करना है, वही क्रीम अपनी, मतलब स्किन केयर हमने वापस करनी है, जैसे कि मैं ये लगा रही हूँ वैसलिन का बॉडी लोशन। सो पोटैटो लगाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपको अपना स्किन का कलर साफ करना है, आपको सनबर्न है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप ये मिल्क वाला ट्राई करो जो मैंने बताया है मास्क। और टीनेजर्स के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि कोई कोई होता है ना डरता है कि यार बाहर के प्रोडक्ट्स लगाएंगे, किसी किसी को रिएक्शन हो जाता है बाहर का कुछ भी लगाने से, ठीक है, जिसकी बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। सो इसलिए मैं ये टीनेजर्स के लिए भी बता रही हूँ, इनके लिए बेस्ट है, इसलिए आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा। इंस्टा पे मुझे मैसेज करना, मैं सबके रिप्लाई करूँगी। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, अपनी स्किन केयर प्रॉपर कर लेना प्लीज़, और कमेंट डाउन करना कि आपको ये शीट मास्क कैसा लगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।